सब्सक्राइब कीजिए लर्न त्रिपली चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। हेलो दोस्तों, लर्न त्रिपली चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जगदीश जोशी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सर्वो मोटर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि सर्वो मोटर होती क्या है, सर्वो मोटर को कहां पे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, और एक नॉर्मल मोटर की जगह सर्वो मोटर को क्यों यूज किया जाता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है इस मोटर का, वो हम बिल्कुल डीपली जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करते हैं, ताकि आपको कंप्लीट जो है वो वीडियो के एंड में आपको सर्वो मोटर कंप्लीट समझ में आ जाए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन लगातार रहे, और अगर आप इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। अभी हम वीडियो के लास्ट में हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे, प्रैक्टिकली एक डीसी सर्वो मोटर को हम कंट्रोल करके भी देखेंगे किस तरीके से इसको कंट्रोल हम कर सकते हैं और करते हैं। सर्वो मोटर के कंट्रोलर को बनाने के लिए हमको कुछ पीसीबी की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने पीसीबी को डिज़ाइन किया हुआ है jlcpcb.com से, जहाँ पे सिर्फ $2 में हमको पीसीबीज मिल जाती हैं, वो भी आप किसी भी कलर में पीसीबीज को ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पीसीबीज को ऑर्डर किया हुआ है jlcpcb.com से, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल इनका इंटरफेस है। यहाँ से हम इनकी वेबसाइट से सिंपली अपना किसी भी सर्किट को, किसी भी टाइप के सर्किट को हम यहां से डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के बाद हम यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ यहाँ पे डीसी सर्वो मोटर और एसी सर्वो मोटर दोनों के ही, ताकि आपको आइडिया लग सके कि हमारी मोटरें जो हैं ये किस टाइप की दिखती है। तो यहाँ पे देखिए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मोटरें जो रहती हैं वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग जो इनका साइज बना सकता है, और साइज जो रहता है वो इनके कुछ जो मतलब कैपेसिटी के ऊपर भी रहता है। जो सर्वो मोटर जो रहती है वो नॉर्मल जो हमारी मोटरें होती है वो HP या किलोवाट में होती है, लेकिन सर्वो मोटर की रेटिंग हमेशा KG में रहेंगी, 3 KG, 6 KG, 12 KG, इस तरीके से, मतलब कि KG में उनका जो है वो रेटिंग रहेगी, केजी पर सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि किलोग्राम पर सेंटीमीटर में इनकी रेटिंग रहती है। नॉर्मल जो मोटर रहती है उसकी हॉर्स पावर या फिर किलोवाट में हम रेटिंग निकालते हैं। तो इस सर्वो मोटर में हम क्या काम करते हैं कि इनको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सर्वो मोटर को हम यूज कहां कहां पे करते हैं। तो अक्सर देखिए, अगर आप इंडस्ट्री में अगर आप जॉब करते हैं तो आपको पता रहेगा कि CNC और VMC मशीनें जो नॉर्मली इंडस्ट्री में आजकल जो यूज की जाती है, उनमें जितने भी हम फानुक का कंट्रोलर हो, चाहे सीमेंस का कंट्रोलर हो, किसी का भी कंट्रोलर हो, या फिर मजाक का कंट्रोलर हो, सारे के सारे जो कंट्रोलर जितने भी इन कंपनी के कंट्रोलर हैं वो CNC में सर्वो मोटर को यूज करते हैं। तो सर्वो मोटर को यूज करने का मेन कारण ये रहता है कि भाई सर्वो मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आपको हाई मिलता है, ठीक है, सर्वो मोटर का आपको स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलेगा, और सर्वो मोटर के अंदर क्या रहेगा कि आप इससे हाई एक्यूरेसी ले सकते हो, ठीक है, सर्वो मोटर से आप हाई एक्यूरेसी ले सकते हो, प्लस में सर्वो मोटर को आप यहां पे इजीली कंट्रोल कर सकते हो। सर्वो मोटर में आप जो इसका किसी भी सर्वो मोटर को यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम इस किसी भी मशीन में मतलब कि स्पेसिफिक एंगल अगर हमको चाहिए हो किसी भी मशीन में, तो हम वहां पे सर्वो मोटर से स्पेसिफिक एंगल पे अपनी मोटर को रोटेट करवा सके। तो सर्वो मोटर में एक तो नॉर्मली जो हमारी इंडक्शन मोटरें होती हैं उनमें आपने अगर कभी देखा रहेगा, उसकी जो स्पेसिफिकेशन की जो प्लेट रहती है उसमें मैक्सिमम जो हमारा RPM रहता है वो मैक्सिमम RPM उसमें लगभग 1400 या 1500 RPM तक हम एक नॉर्मल 3-phase इंडक्शन मोटर से ले सकते हैं, लेकिन एक जो यूनिवर्सल मोटर जो रहती है उसका RPM भी 3000 RPM तक रहता है मैक्सिमम RPM, लेकिन सर्वो मोटर से आप 6000 या फिर 6000 से भी ज्यादा RPM पे आप उसको रोटेट करवा सकते हो, ठीक है, एक सर्वो मोटर को। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में सर्वो मोटर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसके कुछ कारण है सर्वो मोटर को हम क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये है भाई, इसका जो हम इसको यूज ही इसलिए किया जाता है क्योंकि इसको हम स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करवा सकते हैं। स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट करवाने का मेन मतलब ये है कि देखिए, यहाँ पे
जो हमारा कोई भी मान के चलिए हमारी ये मोटर है, ठीक है, अगर हमको इस मोटर की शाफ्ट को ओनली 180 डिग्री पर रोटेट करवाना है, सिर्फ 180 डिग्री पर रोटेट करवाना है, यानी कि ये शाफ्ट है और हमने इसको ओनली 180 डिग्री पे रोटेट करवाना है एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारी जो थ्री फेस इंडक्शन मोटर रहेगी, थ्री फेस इंडक्शन मोटर है, उनको भी हम रोटेट करवा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल एक्यूरेसी आपको जो है वो थ्री फेस इंडक्शन मोटरों में नहीं मिलेगी। आप उसको 180 डिग्री पे अगर आप कमांड देने के लिए, ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं बना जो कि थ्री फेस इंडक्शन मोटरों में इस तरीके से कमांड दे करके हम उसको जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट 180 डिग्री पर ही हम उसको रोक ले। थ्री फेस इंडक्शन मोटर को स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम VFD को यूज करते हैं, जहां पे हम उसकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करते हैं। लेकिन थ्री फेस से जो हमारा सर्वो मोटर है जो रहती है, सर्वो मोटर हमारा, इसमें हम इसको एंगुलर फॉर्म में, यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एंगल पे हम इसको रोटेट करवा सकते हैं, और किसी भी मतलब कि अगर हमको कोई डिस्टेंस कवर करना है, मान के चले किसी ऑब्जेक्ट को हमने यहां से इधर पुश करना है, तो इसके लिए भी हम सर्वो मोटर को यूज करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक सिलेंडर में हम क्या काम करते हैं, हम किसी भी मतलब पार्ट को पुश अप करने के लिए एक सिलेंडर यूज करते हैं, और सिलेंडर से हमारा सिलेंडर उसको पुश करता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करके एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचाता है। सेम इसी तरीके से हम सर्वो मोटर से भी ये काम ले सकते हैं अपना, और इसको क्योंकि स्पेसिफिक एंगल पे हम इसको रोटेट करवाते हैं। दूसरा है इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई होता है। अभी देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन जो रहता है ना, इसकी वाइंडिंग्स वगैरह और इसका जो स्टेटर एंड रोटर, इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये एक नॉर्मल मोटर की तरह ही इसका वैसे कंस्ट्रक्शन रहता है, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ पार्ट्स इसके अंदर लगे हुए रहते हैं जो इसको और बाकी मोटरों से अलग बनाते हैं। वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो हमारा रहेगा यहाँ पे सर्वो मोटर, सर्वो मोटर के साथ ही एक गियर बॉक्स हम यहाँ पे इसमें यूज करते हैं, इसकी शाफ्ट के साथ में जो इसका रोटर रहता है, रोटर के साथ में एक गियर बॉक्स लगा रहता है, और वो गियर बॉक्स जो रहता है, वो गियर बॉक्स ही इसकी स्पीड जो इसका आरपीएम जो रहता है रोटर का, उसके रोटर के आरपीएम को लो करता है, रोटर के आरपीएम को कम करता है, और हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जो इसका रिडक्शन गियर बॉक्स जो रहता है वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करवाने के लिए, यानी कि यहाँ पे जो हमारा रिडक्शन गियर बॉक्स जो रहेगा, और देखिए सर्वो मोटर जो रहता है इसकी रेटिंग, सर्वो मोटर की रेटिंग जो रहती है वो केजी पर सेंटीमीटर में रहती है, यानी कि किलोग्राम में, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर। तो नॉर्मल जो मोटर रहेंगी आपकी, जैसे कि आपने देखा रहेगा कि भाई जो हमारा थ्री फेस इंडक्शन मोटर है या फिर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर रहती है, उनकी रेटिंग HP हॉर्स पावर में या फिर किलोवाट में रहती है, ठीक है ना। लेकिन आपका इंडक्शन मोटर की जो रेटिंग रहेगी वो रहेगी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी पर सेंटीमीटर में, ठीक है, केजी पर सेंटीमीटर में इसकी रेटिंग रहेगी। केजी पर सेंटीमीटर में इसका रेटिंग का मेन पर्पज ये रहता है कि भाई जो इसका शाफ्ट है वो शाफ्ट कितना लोड कैरी कर सकता है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, यानी कि पर सेंटीमीटर कितना जो है वो लोड जो है वो कैरी कर सकता है। आपको अगर आप CNC मशीनों की बात करें तो यहाँ पे 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, या फिर अगर आप नॉर्मल जो हमारी DC मोटर रहती है उसमें 3 kg, 6 kg, 12 kg, इस तरीके से आपको इनकी रेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। बाकी अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग जो है वो रेटिंग देते हैं मोटरों की, अलग अलग उनकी हो सकती है। तो आपको अगर आप सर्वो मोटर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपका जो वेट है, जो आप सर्वो मोटर की शाफ्ट को देने वाले हैं, वो कितना है, ठीक है। विदाउट लोड आप जो है वो सर्वो मोटर को कनेक्टेड नहीं कर सकते हो, आपको लोड का ध्यान देना पड़ेगा, आपका मैक्सिमम लोड जो है वो कितना है जो आप इसके शाफ्ट को दोगे। तो ये तो हो गई इसमें इसके रेटिंग की बात की, भाई सर्वो मोटर जो रहती है हमारी वो इसके जो रेटिंग रहती है, यानी कि अगर आप थ्री फेस इंडक्शन मोटर की बात करो तो वो HP और किलोवाट में रहते हैं, और ये हमारा KG पर सेंटीमीटर में रहता है। उसके बाद रहता है
देखिए इसमें सर्वो मोटर सबसे बड़ी बात तो ये है हमारी, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्वो मोटर जो मेन डिफरेंस जो है एक सिंगल फेज या फिर थ्री फेज कह लीजिए आप इंडक्शन मोटर और सर्वो मोटर में, कि सर्वो मोटर हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि फीडबैक सिस्टम भी इसको हम बोलते हैं। अब फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है हमारा, सबसे पहले तो हमारा जो है कंट्रोलर रहेगा, हम अपनी मेन सप्लाई जो देंगे, हम कंट्रोलर को हमने मेन सप्लाई दी, यानी कि अगर हमने थ्री फेस हमारी कोई भी मोटर है तो हमने उसको थ्री फेस सप्लाई दे दी, ओके, आर वाई एंड बी, जो कि हम ड्राइव के थ्रू देंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर के बाद हमारी मोटर होगी, जैसे कि हमने मोटर को सप्लाई दे दी। सप्लाई देने के बाद हमारा आगे लग गया गियर, जो हमारा गियर बॉक्स रहेगा। ये तीनों चीजें जो रहती है हमारी, ये कंट्रोलर, मोटर एंड गियर बॉक्स, ये चीजें आप एक नॉ मतलब कि इतना हिस्सा जो है वो एक नॉर्मल इंडक्शन मोटर में भी आप इसको सेटअप कर सकते हैं। यानी कि ये हमारा VFD हो गया, ये हमारा VFD हो गया, ये हमारा मोटर हो गया, और मोटर के साथ में आपने गियर बॉक्स लगा दिया। जैसे कि आपको इंडस्ट्री में अगर आप हैं तो आपको कई जगह पे देखने को मिलेगा कि जहां पे हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए होता है, वहां पे हम थ्री फेस इंडक्शन मोटरों में इस टाइप का अरेंजमेंट करके रखते हैं। हम VFD यूज करते हैं, मोटर के साथ में गियर बॉक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन जैसे कि हमको यहाँ पे तो भाई मतलब कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, तो इसमें तो क्या होना चाहिए, इसमें मोटर का जो आउटपुट है वो फीडबैक देना चाहिए कंट्रोलर को। तो उसके लिए क्या रहता है, उसके लिए यहाँ पे एक पोजीशन सेंसर लगा हुआ रहता है। पोजीशन सेंसर क्या काम करता है, इस यहाँ पे जो इसका जो गियर का जो शाफ्ट रहेगा वो जितना भी रोटेट करेगा वहां पे ये पोजीशन सेंसर इसको सेंस करेगा, इसका जो रोटेशन है उसको सेंस करेगा, और सेंस करने के बाद ये कंट्रोलर को फीडबैक देगा, ठीक है। अभी जैसे ही हमने मान के चलिए 180 डिग्री का हमने कंट्रोलर को हमने बताया कि भाई आपको 180 डिग्री ही मोटर को रोटेट करवाना है, तो जैसे ही हमने इसको कंट्रोलर को कमांड दिया और इसने मोटर को सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, इसने अंदर से इसकी स्विचिंग करी और इसने मोटर को ऑन कर दिया, ठीक है। जैसे ही मोटर ऑन हुई, हमारा गियर चालू हुए होने के बाद शाफ्ट रोटेट होने लगी, और रोटेट होते ही हमारा सेंसर तो ऑलरेडी एक्टिवेट रहेगा, और उसके बाद जैसे ही हमारा गियर जो है वो रोटेट होगा तो हमारा सेंसर इसको सेंस कर रहा है, सेंस करने के साथ साथ हमारा कंट्रोलर को भी फीडबैक दे रहा है। तो जैसे ही सेंसर जो रहेगा वो जैसे ही हमारा शाफ्ट जो रहेगा वो 180 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा, तुरंत ये क्या काम करेगा, कंट्रोलर इसकी सप्लाई काट देगा, मोटर की सप्लाई काट देगा, और हमारी मोटर जो है वो हमारी बंद हो जाएगी, ठीक है। इसकी मोटर की जो आरपीएम जो है वो मतलब कि बिल्कुल बंद हो जाएगी, तो उसको इसका 0 RPM यहाँ पे हो जाएगा और हमारी मोटर जो है वो बंद हो जाएगी। अभी क्या रहता है कि जो हमारी नॉर्मल मोटर रहेंगी, अगर आप मतलब कि बिल्कुल लो RPM पे अगर आप चला रहे हैं, मान के चलिए 5 RPM, ठीक है, 5 RPM, 10 RPM, 15 RPM, तो अगर आप लो RPM पे अगर आप चला रहे हैं मोटर को, तो वहां पे तो बिल्कुल मतलब तुरंत 0 RPM पे हमारी मोटर पहुंच जाती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 1500 RPM या फिर 3000 RPM इस तरीके से अगर आपका जो है वो इसका स्पीड है, तो मान के चलिए आपने कंट्रोलर को स्टॉप की अगर कमांड दी, कोई भी एक्सटर्नल कमांड भी आप दे सकते हो कंट्रोलर को, तो अगर आपने कोई एक्सटर्नल कमांड दी मोटर को कि भाई आप स्टॉप हो जाओ, तो मोटर स्टॉप होने के बाद भी हमारा इसकी सप्लाई तो कट गई, सप्लाई कटने के बाद तो ये इसका जो इतना हाई RPM जो था, 3000 जो इसका RPM था, उस RPM पे ये थोड़ी देर तक तो चलती रहेगी ना, फ्री मूवमेंट करती रहेगी, जैसे कि आपने नॉर्मल अपनी मोटरों में देखा रहेगा, थ्री फेस इंडक्शन मोटर जो रहती है हमारी, तो उनमें क्या रहता है कि भाई अगर हम उसकी सप्लाई काट भी देते हैं और उस पर अगर कोई लोड हमारा लगा हुआ है, तो वो कुछ देर तक जो है वो फ्री चलता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा सर्वो मोटर के साथ भी होता है, लेकिन हम क्या काम करते हैं यहाँ पे गेयर बॉक्स के साथ में, यहाँ पे इसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी हम यहाँ पे अटैच करके रखते हैं। तो जैसे ही इसकी सप्लाई कटती है, कंट्रोलर जैसे ही मोटर की सप्लाई को काटता है,
तुरंत ही सप्लाई काटने के साथ ही क्या काम करता है, ब्रेक जो यहाँ पे ब्रेकिंग ब्रेक सिस्टम जो होता है उसको एक्टिवेट कर देता है। ब्रेक को एक्टिवेट करते ही हमारा यहाँ पे ब्रेक जो है वो शाफ्ट जो रहती है इसकी, इसको इस पे ब्रेक लगाता है और हमारी जो शाफ्ट जो है वो तुरंत यहाँ पे रुक जाती है। अगर आपने देखा रहेगा कि अगर आपने सीएनसी या वीएमसी मशीन पे सर्वो मोटर की अगर आपने देखी रहेंगी, तो आप जिस टाइम पे सर्वो हमारी ऑफ कंडीशन में है उस टाइम पे अगर आप इसकी शाफ्ट को हाथ से घुमाने की कोशिश करोगे तो आप इसको नहीं घुमा पाओगे, ठीक है। तो वहां पे इसमें ब्रेक लगा हुआ रहता है, ठीक है। और जैसे ही कंट्रोलर मोटर को कमांड देगा चलने की, वैसे ही यहाँ पे जो ब्रेक जो है वो रिलीज हो जाएगा और आपकी मोटर जो है वो फिर से चलने लगेगी। तो यहाँ पे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम जैसे कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे सबसे पहले हमारा कंट्रोलर रहेगा, कंट्रोलर के बाद हमारी मोटर रहेगी, कंट्रोलर हमारा कमांड देगा मोटर को, उसके बाद मोटर से हमारा जो रिडक्शन गियर बॉक्स था वो कनेक्ट रहेगा, और उसके बाद इससे हमारा इनकोडर कनेक्ट रहेगा। अभी देखिए एक मेन जो पॉइंट है वो रह गया आपका, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रहता है कि इनकोडर और पोटेंशियोमीटर। यहाँ पे इनकोडर जो रहता है वो एसी सर्वो मोटर में हम इनकोडर यूज करते हैं और डीसी सर्वो मोटर में हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर यूज करने का और इनकोडर जो है वो यूज करने का मेन पर्पस क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया था कि पोजीशन सेंसर जो है वो लगे रहते हैं। अभी पोजीशन सेंसर क्या रहता है, पोजीशन सेंसर हमारा इनकोडर या फिर पोटेंशियोमीटर रहता है, ठीक है, पोटेंशियोमीटर रहता है। तो यहाँ पे पोटेंशियोमीटर जो इनकोडर रहेगा वो एसी सर्वो मोटर में यूज किया जाता है, जैसे कि आपको पता रहेगा अगर आपने सीएनसी या वीएमसी मशीनों में अगर काम किया है, या फिर और भी आपने इंडक्शन हार्डिंग जो जीएच की इंडक्शन हार्डिंग है वो भी आजकल जो उनका एडवांस जो मॉडल है उसमें वो लोग सर्वो मोटर को यूज कर रहे हैं। और पोटेंशियोमीटर जो यूज किया जाता है वो डीसी सर्वो मोटर में यूज किया जाता है। अभी इनकोडर क्या काम करता है, यहाँ पे जो पोजीशन सेंसर जो है ना जो फीडबैक देता है वो इनकोडर ही देता है। इनकोडर क्या काम करता है, आपका मोटर की आरपीएम को काउंट करता है। इसके अंदर ही सेंसर लगे हुए रहते हैं हमारे, जो मोटर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल टेम्परेचर बताएगा सिस्टम को, कंट्रोलर को, कि भाई मोटर का जो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो जो हमारी मोटर रहती है वो अलग अलग जैसे कि 30, 40, 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका इस तरीके से मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जा रहा है वो आपको कंट्रोलर को बताएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इनकोडर जो है वो काम करता है, ठीक है। इसको यहाँ से कनेक्ट रहेगा हमारा और वो उसका टेम्परेचर बताएगा, आरपीएम बताएगा, पोजीशन बताएगा, इस तरीके से ये इसको कंट्रोलर को फीडबैक देता है, इनकोडर एंड पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर तो नॉर्मल हमारा डीसी जो हमारी मोटर रहती है छोटी छोटी मतलब कि टॉयज वगैरह, या फिर अगर आपने कोई मॉल्स वगैरह में जो गेम्स जो रहते हैं गेम्स खेलते हैं हम, उन गेम्स में वहां पे भी सर्वो मोटर ही यूज की जाती है। तो वहां पे और जो ड्रोन्स वगैरह रहते हैं वहां पे डीसी सर्वो मोटर यूज की जाती है, तो वहां पे फीडबैक के लिए पोटेंशियोमीटर यूज किया जाता है। तो ये सारे जो ये दोनों हैं ये हमारा पोजीशन सेंसर्स का यहाँ पे काम करते हैं और ये कंट्रोलर को यहाँ पे कमांड देते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इनकोडर और पोटेंशियोमीटर ये दोनों के दोनों कंट्रोलर को कमांड देते हैं, और कंट्रोलर को कमांड देने के बाद ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ पे हम जो सप्लाई से कनेक्ट करते हैं वो कंट्रोलर को करते हैं, और जो हमको आउटपुट मिलता है वो रिडक्शन गियर बॉक्स से मैकेनिकल एनर्जी हमको यहाँ पे मिलती है, शाफ्ट यहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट कनेक्ट रहती है और यहाँ पे हमको आरपीएम मिलता है कि कितना आरपीएम पे ये चल रहा है। कुछ कंट्रोलर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो देखिए फानुक की अगर हम बात करें तो फानुक का जो कंट्रोल सिस्टम जो है, जैसे कि सीएनसी और वीएमसी में और जैसे कि हमारा जो ड्रिल मशीन जो रहती है रोबोट ड्रिल वगैरह, या फिर रोबोटिक्स जो रहता है, अगर आप जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है जितना भी मारुति या फिर सुजुकी जितने भी ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज हैं उनका जो मैन्युफैक्चरर जो यूनिट जो है उसमें वो लोग रोबोटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर उसमें रोबोटिक्स यूज की गई है, और उन सभी रोबोट जो जितने भी रोबोट जो वहां पे यूज में है उनके अंदर जो कंट्रोलर जो है वो फानुक का कंट्रोलर है। तो जितने भी फानुक के जो रोबोट जो है उनके अंदर फानुक का कंट्रोलर यूज होने के साथ में वहां पे जो सर्वो मोटर है वो भी फानुक की है।
ठीक है, वो भी फानुक की जो यहाँ पे सर्वो मोटर है, अगर फानुक की सर्वो मोटर है तो यहाँ पे जो उसका कंट्रोलर जो है वो भी फानुक का ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो आपको ये वाली ड्राइव जो दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पावर सप्लाई मॉड्यूल, यहाँ पे PSM इसको बोला जाता है, पावर सप्लाई मॉड्यूल। एंड ये जो आपको यहाँ पे कंट्रोलर दिख रहा है, ये है हमारी सर्वो ड्राइव, इसको हम सर्वो ड्राइव बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी सर्वो ड्राइव है, तो ये हमारी सर्वो ड्राइव है। अभी देखिए, अगर हम यहाँ पे सर्वो कंट्रोल सिस्टम अगर हम देखना चाहें, जैसे कि हमने जितना भी आग पीछे ओपन लूप और क्लोज लूप जो कंट्रोल सिस्टम हमने देखा था, ओपन लूप भी हमने समझाया था आपको कि भाई अगर हम फीडबैक सिस्टम हटा दें तो वो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, जैसे कि हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर या फिर नॉर्मल सिंगल फेज इंडक्शन मोटरों में होता है। तो यहाँ पे हम जो कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से यहाँ पे सर्वो मोटर में कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे कंट्रोल यूनिट है यानी कि सर्वो ड्राइव है हमारा फानुक का। बाकी जितने भी आप, ये फानुक का ही कंट्रोल सिस्टम नहीं, आप कोई भी सर्वो मोटर पे अगर आप चेक करेंगे, ये हमारा AC सर्वो मोटर है, तो अगर आप कोई भी सर्वो मोटर पे अगर आप चेक करेंगे, चाहे वो मिस्तुबिशी का हो, चाहे वो ओमरोन का हो, और या फिर हमारा फानुक का हो, या फिर मतलब सीमेंस का हो, चाहे कोई भी आपका मैन्युफैक्चरर है, उनके अंदर आपको एक तो ड्राइव जरूर मिलेगी जो कि आपका कंट्रोलर रहेगा, और एक आपको सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे ड्राइव जरूर मिलेगी। और यहाँ पे यही जो है वो ओपन जो या फिर क्लोज, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यही मिलकर ड्राइव और मोटर मिलकर के ही आपका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनाते हैं। तो वहां पे वो कैसे बनाते हैं, देखिए ये हमारी मोटर रहती है, मोटर के अंदर यहाँ पे आपको देखिए दो टर्मिनल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक तो टर्मिनल आपको यहाँ पे जो यहाँ पे आपको चार कनेक्टर, जैसे कि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको चार कनेक्टर मिलेंगे। ठीक है, चार कनेक्टर जो रहेंगे उसमें RYB और यहाँ पे एक अर्थिंग का कनेक्टर रहेगा। तो आप ड्राइव को जब देखेंगे तो ड्राइव में RYB आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा UVW। ठीक है, सॉरी UVW, और एक होगी आपकी वायर अर्थिंग की। तो यहाँ पे पावर केबल जो रहेगी, पावर केबल आपकी कनेक्ट होगी इस वाले सेक्शन में। और उसके बाद सर्वो मोटर का जो बिल्कुल बैक का जो हिस्सा होता है हमारा, वहां पे हमारा कनेक्ट होता है इनकोडर, ये रहता है हमारा इनकोडर, यहाँ पे कनेक्ट रहता है। ठीक है, इसको हम पल्स कोडर भी बोलते हैं। तो ये इनकोडर जो रहता है हमारा, वो इनकोडर हमारा फीडबैक देता है हमारा ड्राइव को। ठीक है, ये हमारी जो कंट्रोल ड्राइव जो है, जो हमारी कंट्रोल यूनिट है, इसको कमांड देता है हमारा सर्वो ड्राइव। अभी हमारा मान के चलिए कोई भी कंट्रोल यूनिट है, कोई भी कंट्रोल यूनिट मींस कोई भी HMI है हमारी, HMI, हमने इस HMI से हमने कमांड दे दी इस सर्वो मोटर को कि आपने जो है वो 3000 RPM पे जो है वो रोटेट होना है। तो हमने इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद हमने HMI से एक पावर केबल ली और हमने इस ड्राइव को कनेक्ट कर दिया। ड्राइव पे कनेक्ट करने के साथ ही आपने इसको कमांड दे दी 3000 RPM पे रोटेट होने की। तो ड्राइव क्या काम करेगा, इसको सप्लाई देगा मोटर को, और ये 3000 RPM पे रोटेट होने लग जाएगी। लेकिन जैसे ही आप HMI से इसको कमांड देंगे स्टॉप की, तो तुरंत ये ड्राइव क्या काम करेगा, ड्राइव को सिग्नल चला गया स्टॉप का, और ये ड्राइव जो है इसकी सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देगी और हमारा जो मोटर जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा मोटर जो है वो काम करती है। तो इसमें क्या रहेगा, जो यहाँ पे इनकोडर रहता है, इनकोडर आपको एक तो RPM बताएगा ड्राइव को कि भाई मोटर की RPM कितनी है, सेम इस तरीके से मोटर का टेम्परेचर कितना है, मोटर के अंदर कोई लॉसेस तो नहीं हुए, या फिर मोटर के अंदर हमारा कोई मतलब कि इंटरनल वैसे फॉल्ट तो नहीं है, कुछ भी रहेगा तो आपका इनकोडर जो है वो फीडबैक देगा हमारा PSM को, इसको सॉरी सर्वो ड्राइव को। तो इस तरीके से अगर आपने फानुक वगैरह या फिर किसी भी कंट्रोल सिस्टम पे अगर आपने देखा रहेगा, तो तुरंत ये अगर इसके अंदर कोई भी इंटरनल फॉल्ट होता है, इसका मतलब मान के चलिए मोटर के अंदर यहाँ पे एक फैन भी लगा हुआ रहता है, इसके अंदर ही इंटरनल, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर अगर मान के चलिए कोई भी यहाँ पे इसका जो अंदर यहाँ पे हमारा गियर बॉक्स पे लगा हुआ रहता है, इसके अंदर में हमारा जो भी लोड कनेक्ट है उसके अंदर जो बॉल स्क्रू कनेक्ट रहता है वैसे, तो इसके अंदर कोई भी क्या
या फिर बॉल स्क्रू जाम हो गया आपका, या फिर कोई बेयरिंग जाम हो गई, कुछ भी हो गया, तो उसकी वजह से क्या रहता है कि मोटर अगर नॉर्मल, अगर हम फीडबैक सिस्टम नहीं रहेगा तो हमारी मोटर जो है वो खराब हो जाएगी, इसकी वाइंडिंग ही जल जाएगी, है ना। तो जो इनकोडर रहेगा वो इनकोडर तुरंत कमांड दे देता है हमारा इसके ड्राइव को, जो उसकी कंट्रोल यूनिट है, और ड्राइव तुरंत यहाँ पे जो HMI होती है, HMI पे शो कर देती है कि भाई आपकी जो मोटर है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, या फिर इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो टॉर्क हाई हो गया, जो इसकी जितनी भी रेटिंग है स्टार्टिंग टॉर्क की उससे हाई स्टार्टिंग टॉर्क चला गया, तो जो कुछ भी रहेगा फॉल्ट वो तुरंत HMI में हमको मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये सर्वो मोटर है, और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे पावर केबल, तो ये वाला जो सेक्शन है वो पावर केबल का है, और ये वाला सेक्शन जो है ये वाला, ये इनकोडर केबल का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे सर्वो मोटर का बैक का भी सीन दिखा रखा है, ये हमारी पावर केबल है, प्रैक्टिकली अगर आपको देखना हो तो ये आपकी पावर केबल है, और ये आपका पल्स कोडर, जो कि हम इनकोडर की हम बात कर रहे थे, वो इनकोडर की वायर है, और ये इनकोडर की वायर हमारी लगती है इस ड्राइव पे जो कि सर्वो ड्राइव है, ठीक है। तो ये इनकोडर की ड्राइव है, और यहाँ पे हर एक ड्राइव पे, यानी कि जो आपका सर्वो मोटर रहेगा, वो सर्वो मोटर का जो भी मॉडल नंबर रहेगा, देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सर्वो मोटर का यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है ना, Beta 6 6000i, तो इस तरीके से हर एक मॉडल नंबर के लिए, स्पेसिफिक मॉडल के लिए स्पेसिफिक जो है वो आपको इनकोडर खरीदना पड़ता है, हर एक मॉडल के लिए अलग अलग यहाँ पे इनकोडर रहते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए इसकी यहाँ पे कुछ पावर्स दे रखी है कि भाई मैक्सिमम पावर्स कितना ले सकते हो आप, और कितने पावर पे आपको कितना RPM मिलेगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे करंट है, और पावर फैक्टर है 3 फेज, ये 3 फेज पे काम करेगी, 4 पोल्स हैं इसके अंदर, वाइंडिंग कनेक्टेड जो है वो डेल्टा में है, मेड इन जापान है, तो डेट इसका ये है। तो इस तरीके से जो आपका जो नॉर्मल 3 फेज इंडक्शन मोटर है, या फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, उसकी जो स्पेसिफिकेशन, जो उसकी नेम प्लेट जो रहती है, उसकी और सर्वो मोटर की दोनों की डिफरेंट रहती है, आपको सर्वो मोटर में अलग चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखिए इसका मैनुअल जो है, मैनुअल का जो नंबर है वो ये है, ठीक है। वोल्टेज इसकी 50 60 हर्ट्स है, और जो इसका अभी यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता दूं कि भाई जो फानुक का जो कंट्रोल सिस्टम है, फानुक का कंट्रोल सिस्टम 2 फेज पे, यानी कि फेज टू फेज वोल्टेज जो रहेगी आपकी, सॉरी फेज पे 2 फेज पे 200 वोल्ट पे ये काम करता है। जैसे कि हमारा 3 फेज सप्लाई जो रहती है, 3 फेज सप्लाई पे आपको लगभग 440 वोल्ट जो है वो मिलता है, तो लेकिन फानुक का कंट्रोल सिस्टम ऐसा नहीं होता है, फानुक के कंट्रोल सिस्टम में आपको फेज टू फेज 200 वोल्ट यहाँ पे मिलती है, 200 हो सकता है वो 205 200 196 97 95 ऐसा मिलेगा आपको अगर आप चेक करेंगे तो, लेकिन 200 वोल्ट के आसपास रहता है। तो इंडिया में जितनी भी फानुक की मशीनें हैं, जितना भी फानुक का कंट्रोल सिस्टम जो यूज किया जा रहा है, उसमें हर एक मशीन के लिए यहाँ पे इन लोगों ने स्पेशल ट्रांसफॉर्मर दे रखा है, जो 440 वोल्ट इनपुट को 200 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, और उसके बाद हम अपनी मशीन को दे रहे हैं। तो ये तो बात हो गई सर्वो मोटर्स के बारे में और इसके कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो चलिए एक डीसी मोटर को हम प्रैक्टिकली उसका कंट्रोल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से हम डीसी मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए जो हमको कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है, या फिर आप ऑडियो यूज कर सकते हैं, माइक्रो कंट्रोलर यूज कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक छोटी सी डीसी सर्वो मोटर को हम ऑडियो के साथ में कनेक्ट करके ऑडियो से कंट्रोल करेंगे, स्पेसिफिक एंगल पे उसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे हम उसको रोटेट कराएंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक डीसी सर्वो मोटर है, जहाँ पे आपको नहीं, यहाँ पे दिख रहा होगा माइक्रो सर्वो लिखा हुआ है, ये 9 ग्राम की है, 9 ग्राम की है, और इसका मॉडल नंबर जो है वो है SG90। तो यहाँ पे जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि मोटर के आगे हमारा एक रिडक्शन गियर बॉक्स लगा हुआ रहता है, तो इसमें आपको एक गियर दिख रहे होंगे, हालांकि ये एक छोटी सी डीसी सर्वो मोटर है, तो इसमें यहाँ पे प्लास्टिक के गियर लगे हुए हैं, यहाँ पे इसकी माउंटिंग है, और यहाँ पे आपको इसके पीछे छोटा सा आपको देखिए सर्किट दिख रहा होगा, तो इसमें जो एक कंट्रोलर, इसमें इसके अंदर ही यहाँ पे कंट्रोल सर्किट बना हुआ है, और ये इसकी वायर है जिसको हम सप्लाई देंगे, और इनमें से एक वायर हमको फीडबैक देगी, ठीक है।
तो ये तीनों वायर है, एक वायर को हम 5 वोल्ट देंगे, दूसरी वायर हमारी ग्राउंड की है और तीसरी वायर हमारी फीडबैक की है। ये हमारा ऑडिनो है, ऑडिनो मेगा 2560, जो कि हमारा कंट्रोलर का काम करेगा। डीसी में ये कंट्रोलर रहेगा हमारा। हम माइक्रो प्रोसेसर से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। ये हमारे एनालॉग इनपुट्स हैं एंड ये हमारे यहाँ पे कम्युनिकेशंस की कुछ टर्मिनल्स हैं, और यहाँ से हम इसको जो है वो सर्वो को यहाँ से आउटपुट सिग्नल, इसको सर्वो को मतलब कि सर्वो मोटर को इनपुट सिग्नल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑडिनो की पूरी पूरी यहाँ पे एक किट आप कह सकते हैं इसको। ये ऑडिनो का कम्युनिकेशन केबल है, जिसको हम लैपटॉप या अपने सिस्टम पे लगा करके ऑडिनो के अंदर प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, चाहे आप माइक्रो प्रोसेसर भी अगर आप यूज़ करेंगे तो वहाँ पे भी आपको उसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। ये वाला पोर्ट इसका माइक्रो इस पे ऑडिनो पे लगेगा, एंड जो इसका दूसरा वाला जो इसका टर्मिनल है वो हम लैपटॉप पे लगा करके इसमें प्रोग्रामिंग करेंगे। ये कुछ जम्पर वायर्स हैं जो कि हम यहाँ पे कनेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो हमारा सर्वो है, सर्वो और ऑडिनो को ये जम्पर वायर्स कनेक्ट करेंगी। तो हम यहाँ पे देखिए जम्पर वायर्स को लेते हैं, लेने के बाद हम यहाँ पे ऑडिनो के साथ में इसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 कलर की वायर ले रखी है, येलो, ब्लैक और रेड कलर की। तो हम येलो कलर की वायर को लेते हैं, और येलो कलर की वायर को हम अपने ऑर्डिनर हम इसमें क्या काम करते हैं, हम इसको 9, जो हमारा पिन नंबर 9 है वहाँ पे हम इसको कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा सिग्नल देगा इसको ऑर्डिनो को। तो यहाँ पे हम इसको जिस भी पिन नंबर पे हम इसके कनेक्शन करेंगे वो हमको प्रोग्रामिंग में मेंशन करना पड़ेगा कि हमें भी किस पिन नंबर से हमको इसके हम यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड जो वायर है हमारी, वो है हमारी ब्लैक कलर की वायर। इसको हम यहाँ पे ग्राउंड पे कनेक्ट करने वाले हैं। ग्राउंड का जो टर्मिनल रहेगा वहाँ पे हम इसको कनेक्ट करेंगे। और रेड वायर जो हमारी रेड कलर की जो जम्पर वायर रहेगी, उस रेड कलर की जम्पर वायर को हम 5 वोल्ट जो है वो सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो ऑर्डिनो से ही हमको यहाँ पे 5 वोल्ट मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट का जो टर्मिनल, यहाँ पे जो एनालॉग सिग्नल का जो लाइन जो है वहाँ पे हमको 5 वोल्ट मिल जाएगा। वहाँ से हम इसको 5 वोल्ट पे यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन केबल को ऑडिनो के साथ में कनेक्ट करते हैं। ऑडिनो के साथ में कनेक्ट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करते हैं। लैपटॉप पे कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने इसको लैपटॉप पे कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या काम करेंगे, हम सिंपल ऑडिनो का एक सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर मैं आपको लिंक सॉफ्टवेयर का वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप सिंपली उस जो सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी इसका बना रखा है, तो मैं प्रोग्राम सिंपल कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सॉफ्टवेयर के अंदर पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद देखिए ऊपर आपको कुछ यहाँ पे टैब दिख रहे होंगे। यहाँ पे अपलोड, रन एंड इस तरीके से कुछ टैब्स होंगे, जिसमें हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग इसमें प्रोग्राम को अपने ऑडिनो के अंदर अपलोड कर सकते हैं, और बाकी हम इसमें कोई न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं। और भी काफ़ी इसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको आपको काफ़ी सारी डिटेल जो है वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ। अपलोड करने के जैसे हम इसमें अपलोड पे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे टाइम लेगा अपलोड होने के लिए, कुछ सेकेंड्स का टाइम लेता है। बाकी आपके प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम कितना बड़ा है। तो देखिए जैसे ही हमने प्रोग्राम को अपलोड किया और इसमें हमने यहाँ पे 90 डिग्री जैसे कि हमने यहाँ पे मान के चलिए एंगल डाला हुआ है, तो ये ऑडिनो सॉरी जो हमारा ऑडिनो के अंदर तो प्रोग्राम चला गया, तो हमारे ऑडिनो जो है वो मोटर को कमांड देगा 90 डिग्री पर रोटेट होने की। तो इसकी जो शाफ्ट है वो सिर्फ 90 डिग्री पर ही रोटेट करेगी, या फिर अगर हम 180 डिग्री, 70 डिग्री या फिर 20 डिग्री इस तरीके से अगर हम एंगल चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा मोटर का जो रोटेशन है वो भी एंगुलर फॉर्म में, यानी कि एंगल के फॉर्म में, एक स्पेसिफिक एंगल पे हमारा मोटर रोटेट होगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो ऑर्डिनो है वो कंट्रोलर का काम कर रहा है डीसी मोटर में, और हमारा जो डीसी मोटर है वो एक स्पेसिफिक एंगल पे रोटेट कर रहा है। तो गाइज ये था सर्वो मोटर के ऊपर एक डिटेल वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम मोटिवेट हो सकें आपके लिए और भी ज्यादा वीडियोज बनाने के लिए।
अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।